गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा क्या रहे हैं ऐसे ही, मतलब भाई के पैर में लगा है एक कांटा या कुछ कांच का कंकड़, तो उसे निकालने के लिए आज हम जा रहे हैं डिवालसर। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं घर पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ थोड़े कपड़े पहन के जाता हूँ, क्योंकि अभी घर के कपड़ों में हूँ। तो सोच रहे हैं कि चलते हैं फिर डिवालसर साइड। डिवालसर भी नहीं, एक्चुअल में वो डिवालसर से थोड़ा ही दूर है ऐसे बताते हैं, अभी हमें भी पता नहीं है। तो चलते हैं ढूंढते उसको। आज हम अभी देखेंगे कहाँ है जाके। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ऐसा है कि चलो किसी का भला हो जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश में कहीं भी होती है तो हम लोग अगर उसको दिखाएंगे तो और लोगों का भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कई लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि भाई को बोला है कि पैर में कट लगाना पड़ेगा, तो कट लगा के कोई महीना दो महीने ऐसे काटने पड़ेंगे। बाद में ऐसा होता है कि डॉक्टर तो उनके पास इलाज वही होता है कट लगाने का, लेकिन वहाँ पे हमने सुना है कि ऐसे बिना किसी दर्द के और इसके कांटे हो कंकड़ हो कुछ भी हो वो निकाल देते हैं। तो चलो मैं भी तैयार होके फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम चल पड़े हैं रिवालसर की ओर। अभी घर से निकलते ही ये है कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन, यहीं से हम जाएंगे घुमारमी से आगे निकल कर बल्दवाड़ा से एक रास्ता जो रिवालसर के लिए जाता है, बस उसी से जाने का प्लान है। बाकी देखते हैं। अभी हमारी गाड़ी आ गई है और आज हमारे साथ जा रहे हैं विक्की भाई और भाई, मैं बैठा हूँ पीछे। अभी ये देखिए हम जा रहे हैं बघेड़ की तरफ कीर्तपुर मनाली वाले 4 लेन पर। यहाँ से हम सीधा टर्न लेके जाएंगे घुमारवी से आगे, फिर पूछते चलेंगे कि कहाँ जाना है। अभी हमें पता भी नहीं है, क्योंकि सुनकर जैसे हमें बताया है वैसे उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे, लेकिन पूछना तो पड़ता ही है कि कहीं गलत ना चले जाएं। तो घर से निकलते ही 10 मिनट में अभी हम पहुँचने वाले हैं घुमारवी के पीछे से जो चौक और जो सरका घाट की तरफ रास्ता जाता है, बस यहीं सामने से हमें उस ओर जाना है। तो अभी यहीं से हम बल्दवाड़ा तक जाएंगे, उसके बाद नए रूट से ऊपर को चलेंगे। मैं इस रास्ते से पहले भी गया हूँ एक दो बार, लेकिन अब काफ़ी समय से गया नहीं हूँ, तो थोड़ा होता ही है, काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ। और अभी हम चल पड़े हैं, अभी तो हम बिलासपुर में ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो मंडी की सीमा में एंटर करेंगे हम। मंडी में हमारी एंट्री हो गई और हम चल पड़े थे जाहू की तरफ। तो हमें एक्चुअल में जाहू नहीं जाना था, जाहू से पीछे से एक लिंक रोड जो जाके मिलता है कलखर वाले रोड पे, उसी से होते हुए रिवालसर जाना है। तो हम वापस आए और अभी जा रहे हैं उसी रोड पर जो बल्दवाड़ा से अम्बला गलू होके ऊपर निकलता है। अभी हम चल पड़े हैं लिंक रोड से अम्बला गलू की तरफ। और वो देखिए हिमाचल प्रदेश में ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम अम्बला गलू पहुँच के रिवालसर की तरफ निकलेंगे। अम्बला गलू होते हुए हम पहुंच गए हैं जाहू से कलखर मार्ग पर। यहाँ से रिवालसर है 5 किलोमीटर। और ये देखिए रोड का चला हुआ है काम, तो आज तो इसको लिखाते हुए 5-6 किलोमीटर हमें काटना पड़ेगा। और वो देखिए हमारे आगे आगे चली हुई हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा HRTC की बस, और इसके पीछे अभी रोड में बहुत सारा जाम लग रहा है यार, क्योंकि रोड का काम चला हुआ है और जगह जगह काम हो रहा है, तो इस कारण जाम भी बहुत लग रहा है। फाइनली चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं रिवालसर। ये है रिवालसर बाज़ार और यहीं थोड़ा आगे चलकर रिवालसर लेक है, जहाँ पे आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम किसी और काम के लिए जा रहे हैं। बाकी रिवालसर लेक पर एक फुल ब्लॉग बनाऊँगा थोड़े ही दिन बाद। तो अभी फ़िलहाल हम जाएँगे जिस काम के लिए, तो अभी यहाँ पर पूछना ही पड़ेगा कि वो जहाँ हम जा रहे हैं वो कहाँ जैसे है। वहाँ के लोकल लोगों से पता करने पर ये पता चला कि जहाँ हमें जाना है, मतलब कि आज की हमारी मंजिल, वो है छजुआन खाबू, जो कि आता है सुजान खाबू में। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना भी पता नहीं था, तो चल पड़े पूछते आगे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा रास्ते में, तो उसको पूछ लेंगे। अभी हम चल पड़े हैं सुजान खाबू की तरफ इस टेढ़े मेढ़े रास्तों से और सुंदर नज़ारों को देखते हुए।
ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, ऐसे बता रहे हैं कि 6-7 किलोमीटर है, लेकिन चलो देखते हैं कहाँ। जैसे अब हम पहुँचते हैं, थोड़ा पीछे अभी हम रुके थे और उन्होंने हमें बताया कि आगे एक बड़ा पुल आएगा, उसके बाद से जो लिंक रोड है वही छजवान खाबू की तरफ जाता है, तो बस वही उसी का ढूंढते ढूंढते अभी हम जा रहे हैं और पहुंचने वाले हैं अभी, क्योंकि 2 किलोमीटर पे है वो पुल, तो वहीं से हम एक लिंक रोड में 2-3 किलोमीटर जाएंगे। और वो देखिए जो सामने पुल दिख रहा है, शायद उसी की वो लोग बात कर रहे थे, और बस यहीं करीब में हमारी मंजिल भी है। तो देखते हैं आगे, एक लिंक रोड सामने से दिखाई दे रहा था, बस उसी में ऊपर को हमें जाना है अभी। लिंक रोड छोड़ के अब हम आ गए हैं कच्चे रोड पे जो कि जाता है छजवान खाबू की तरफ, और यहाँ पर लगे बोर्ड से मुझे मालूम हुआ कि ये बल विधानसभा क्षेत्र है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इस गांव का नाम छजवान खाबू, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी माता है जो वो कंकड़ पत्थर अगर आपके शरीर के किसी भी अंग में फंस गया है, कई दिनों से है, तो उसको निकालने का काम कर। गाड़ी हमने साइड में पार्क कर दी है और किसी ने हमें उनके घर के बारे में बताया कि यहाँ ऊपर चल के उनका घर है, तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर तक। अभी मैं वहाँ पर नहीं गया क्योंकि जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग देखा ही होगा, आपको पता होगा मेरे घर में हुई डेथ मेरे दादू की, तो एक तरह से हम अपवित्र हैं और ऐसे देवी स्थानों में जाना शुभ नहीं माना जाता है, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और वहाँ पे हुआ ये कि भाई के पैर से निकला लकड़ी का एक टुकड़ा जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी गहरा अंदर तक घुस चुका था, जिसे डॉक्टर ने भी कट करके निकालने की सलाह दी थी, लेकिन उस तरह से पैर कई दिनों के लिए घायल हो जाना था, इसके लिए हम यहाँ तक आए थे और हमारा काम भी सफल हुआ। भाई बता रहे थे कि वो 90 वर्षीय बूढ़ी महिला हैं जो कि माता का नाम लेते हुए अपना कार्य करती है, और ऐसे कंकड़ पत्थर जो कुछ भी आपके शरीर में लगा हो उसको बाहर निकाल देती हैं, और उसके बाद मतलब बदले में उनको कुछ नहीं देते हैं, बल्कि जो आपकी इच्छा अनुसार आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी देना हो वो दे सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सी सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसी चमत्कार ही कहेंगे एक तरह से, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसमें कट लगाना था लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी ज़्यादा दर्द के और ऐसे निकाल दिया जैसे कि मतलब पता ही नहीं चला उनको, इस तरह से वो बाहर निकाला। तो बहुत से लोगों के लिए ये नया हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। तो अगर आपके भी किसी अपने को या जानने वालों को इस तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो आप उनको वहाँ लेकर जा सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई प्रमोशन या इस तरह का, लेकिन ये जो हमारे आसपास के ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं लोग, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए आप सभी को ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं घर, अभी हमने लिया है नया रूट और मैं हूँ नेर चौक में, नेर चौक से हम सीधा जाएंगे सुंदरनगर, सुंदरनगर से सीधा घर की तरफ, और आपको पता ही होगा पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा, कीर्तपुर मनाली 4 लेन। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं घर पहुँचने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं तो 30-35 मिनट में घर पहुँच जाएंगे हम। तो चलिए अब आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए जो बना है नया नया 4 लेन कीर्तपुर नेर चौक। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको ये सब ज़रूरतें होती हैं और वो डॉक्टरी इलाज करा के थक गए होते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और मेरी एचआरटी से रिलेटेड वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार, चैनल लाइक सब्सक्राइब ये वो। फ़िलहाल मेरे नज़रिए से ये ब्लॉग हो रहा है लंबा, तो अभी मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े दिन में ड्यूटी जाके देखते हैं फिर कुछ नया, आपको भी दिखाते हैं खुद भी देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।